नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो संविधान में जिस तरह से लिखा गया कि जाति के आधार पर जो आरक्षण मिलना चाहिए उसकी अवधि कम से कम 10 साल तक होनी चाहिए, पर आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से यहाँ पर प्रेस वार्ता की अपनी मांगों को लेकर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने जो तीसरी रथ यात्रा निकाली है, इसका मकसद बड़े साफ शब्दों में देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, समाज में अच्छा माहौल बनाने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए, और जो एक कैंसर की एक बीमारी की तरीके से जो ये राष्ट्र को और देश को और समाज को और सभी जातियों को, सभी संगठनों को ये जो बर्बाद कर रही है, ये व्यवस्था किसी भी काम की नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच का एक फैसला आया था इंदिरा सानी केस के नाम से, आपने सुना होगा। उसमें उन्होंने साफ तौर पे जो देखिए खंडपीठ का ये फैसला है कि आज देश में ये जो जातिगत आरक्षण है, इसके दो कारण हैं, वोट की राजनीति और बाहुबली जातियाँ। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो जातिगत आरक्षण जो है, मैं नहीं बोलता राजपूतों को आरक्षण नहीं चाहिए, पूरा समाज, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका जो है वो ये बोल रही है, बाकायदा फैसला है कि ये सबसे खतरनाक चीज है। क्या लगता है सर आपको, पिछले 70 सालों से जाति के नाम पर जितनी भी पार्टियां आई उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया इस चीज को? देखिए साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक किताब है, अरुण शौरी जो अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने एक किताब लिखी है आरक्षण का दंश, काइंडली अगर आपको समय मिले आप उसको पढ़ें। देश का जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, जो स्वरूप है, हमारे संविधान निर्माताओं के जो विचार हैं, चाहे भीमराव अंबेडकर हों, चाहे सरदार पटेल हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे कोई भी बड़ा जो हमारे संविधान निर्माताओं के जो विचार थे, वो बिल्कुल आरक्षण को काफ़ी देर के लिए नहीं चाहते थे। भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि आरक्षण की विशाखियों पर चलकर कोई जाति, कोई वर्ग, कोई राष्ट्र कभी मजबूत नहीं हो सकता। ये तो एक थोड़े से समय के लिए रखा गया था, लेकिन इन्होंने इसको तो एक लाइसेंस ही दे दिया। तो पूरा आप पूरा सिस्टम देखिए, आप दुनिया में अगर आरक्षण इतनी अच्छी चीज़ होती तो इसको परमानेंट एक कड़ा जोड़ देते। अगर आरक्षण इतनी बढ़िया चीज़ होती तो उन्होंने 10 साल के लिए क्यों रखा इसको? इसीलिए उन्होंने जो है, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लगता है सर आपको कि जिस प्रकार से कहा जाए तो जो कैपेबल हो उसी के आधार पर उसको नौकरी जो है मिलनी चाहिए, ये सिस्टम जो है खास करके आर्थिक आधार पर आप कह रहे हैं या जाति के आधार पर जो आरक्षण चलता रहा इसको हटा देना चाहिए, 100% इसको हटाना चाहिए। योग्य व्यक्तियों को मौका मिलना चाहिए, मेरिट पे मौका मिलना चाहिए। जो बच्चे जो हैं, जो 90% बच्चा है, एक बच्चा 90% लेता है, 95% लेता है, उसके मुकाबले में जो है ना 45% वाले का सिलेक्शन हो जाता है, 45% वाले को कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो ये बताइए कितना डिसकंटेंटमेंट है, कितनी निराशा है, नौजवानों में भी, कर्मचारी वर्ग में भी, समाज में भी, पूरा इसका बहुत बड़ा नुकसान। सर क्या कहना चाहिए, इसी आरक्षण के तले कहीं ना कहीं नौजवानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके जो वाकई जो काबिल हैं उनको कहीं ना कहीं उनका अधिकार नहीं है। नाइंसाफी नहीं, उनका कत्ल हो रहा है, उनका मर्डर हो रहा है। जिस बच्चे को ये पता हो कि मेरे 95% नंबर हैं और बराबर में जो है इसको 45% वाले को ले लिया है, उसके आप उसके दिमागी हालात देखो ना क्या होगी। ये तो कत्ल है बच्चों का, नौजवानों का, ये एक उनका मनोबल गिराने के लिए है ना जी, ये बहुत खतरनाक चीज है। तो क्या लगता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमने संविधान में लिखा था कि 10 साल की अवधि होनी चाहिए, हाँ, तो क्या उसको सरकार इंप्लीमेंट कर रही है? देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 2010 में जब यहीं से हमने शुरू की थी रथ यात्रा, यहाँ से की थी, सुनिए आप, ये 2 मिनट सुनने मेरी बात को, तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लोग बड़े बड़े आप जैसे सज्जन लोग कहते थे कि तंवर साहब ये क्या कर रहे हो, कभी आरक्षण भी खत्म हो सकता है। 2012 में हमारी 11 में खत्म हुई, 12 में हरियाणा में, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार आरक्षण जो है
पांच स्वर्ण जातियों को मिला कानून पास करके, और उसके बाद 2017 में लोग तो कहते थे सपना है थे जी साहब ये नहीं हो सकता। 2017 में पार्लियामेंट ने बकायदा कानून पास किया और आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया, लाखों लाखों नौजवानों को फायदा है उससे। और हम ये कहते हैं कि हम तो लगातार हमारी सतत मांग ये है कि जातिगत आरक्षण तो कम्प्लीटली खत्म होना चाहिए। आप क्या कहते हैं, आप इसके पक्ष में हैं क्या, जाति आरक्षण जो है वो रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? ये भारत भूमि है, भगवान राम ने स्वयं कहा कि जाति पाति पूछे ना कोई और हरि को भजे, हरि को भजना मेरे मातृभूमि के प्रति जिसका लगाव है वहाँ कोई जाति पाति का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमारे देश जब आज़ाद हुआ तो जाति के आधार पर देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारी मातृभूमि के आधार पर हुआ था, देशभक्ति के आधार पर हुआ था। और वहाँ सभी जातियों के लोगों ने एक साथ मिल करके हमारे हिंदुस्तान के समस्त हिंदू समाज ने, और उसमें मुस्लिम समाज भी कुछ लोग थे, लेकिन क्या कहता है इसके लिए समर्पित हुआ। हमारे देश के सभी राजाओं ने अपना सारा संपत्ति राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया और एक सूत्र में बंध करके राष्ट्र हित की बात को सोच करके हिंदुस्तान को आज़ाद करने में अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया। हमारे नौजवानों ने अपना प्राणों को न्यौछावर कर दिया, हंसते हंसते पर फांसी पर लटक गए, लेकिन वहाँ कोई जाति पाति नहीं थी। आज जो सरकार कोई भी सरकार हो, हम एक की नाम नहीं लेंगे, सभी पार्टी के लोग वह जातिगत आधार पर वह राजनीति कर रहे हैं। यह देश के लिए खतरा है, मातृभूमि के लिए खतरा है, हिंदुस्तान के लिए खतरा है, हमारे देश के उत्थान और विकास के लिए खतरा है। मैं खुले शब्दों में शंखनाद की घोषणा करते हुए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, और वर्तमान हमारा छिपा नहीं है, हमारे सम्मानित आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त के चीर लाल किला से इस बात की घोषणा करें कि जातिगत के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर यह देश में आरक्षण, आरक्षण क्या है उसका पद देना चाहिए, उनको उच्च पद देना चाहिए, उच्च अधिकारी बनाना चाहिए। अगर उसमें योग्यता नहीं है, जिसमें अयोग्य व्यक्ति को वह जातिगत के आधार पर आरक्षण दे करके उसको उच्च पद पर पहुंचाते हैं, यह देश के लिए खतरा है। समझदार और विद्वान और बुद्धिमत्ता लोगों के लिए यह खतरा है, हमारे देश का उत्थान और विकास नहीं हो सकता है। हम इसीलिए हम संत समाज के एक जगतगुरु होने के नाते मैं हम आपके साथ में है कि हमें देश ही मातृभूमि के चलते हम यहाँ पर आए हैं और हम इसके लिए समर्पित हैं। अगर समय आएगा तो हम हजारों संतों को लेकर के मैदान उतरेंगे, क्योंकि देश मेरा है। ऋषि मुनि वीरवृति ब्रह्मचारी, साधु सती सम्राट सुखारी, शिल्पी सुकवि गुणी नर नारी, सबका जन्म स्थान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। राम कृष्ण ने वीर बनाकर, सर शिवाजी ने अपना कर, प्रिय प्रताप ने प्राण कर जीवन किया प्रदान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। ऐसे मातृभूमि के लिए नमन है, बहे साधुनते के ध्रुव धारा, चमके फिर सौभाग्य सितारा, कर्म धर्म दोनों के द्वारा हो सुरलोक समान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। हम आप सभी लोगों से, मीडिया वालों से मेरा निवेदन है, इस राष्ट्र को, इस देश को, मातृभूमि को सही रास्ता दिखाने वाला हमारा मीडिया समाज है, इसलिए मीडिया समाज के लोगों को सम्मान ही देना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा भी देना चाहिए, जो देश को सही दिशा और दशा दिखाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से मेरा निवेदन है, विनती है कि आप सरकार को सही बात हमारी जो है उनके तक पहुंचाने की कृपा करें, यही आपसे मेरा विशेष है। आप लोगों के लिए मैं दीर्घायु की शुभकामना करता हूं और राम राज्य की स्थापना करने के लिए मैं आया हूं, इस समाज को लेकर के मैं आया हूं। भगवान राम के राज्य में एक कुत्ते को भी न्याय मिलता था, एक गरीब और अमीर को भी न्याय मिलता था, इसलिए सामंजस्य होना चाहिए, आर्थिक आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर यहां पर लोगों को आरक्षण। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के बारे में, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जब 2010 में हमने यहाँ रथ यात्रा शुरू की थी, जनरल जामवाल जिन्होंने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह पे एक बहुत ऐतिहासिक किताब लिखी है, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, महाराजा हरि सिंह ने ब्रिगेडियर राज, क्योंकि हालात बहुत ख़राब थे, महाराजा हरि सिंह ने उनको कहा था यू हैव टू फाइट अप टू द लास्ट सोल्जर एंड द लास्ट बुलेट, और उनकी शहादत से ये देश बचा है, उनकी शहादत से बचा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ये मांग करती है केंद्रीय सरकार से कि उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उनको भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित किया जाए। ये हमारी बहुत बार बार हम इसको मांग करते हैं
और ये देश के हित में भी है और शहादत के हित में भी। साफ तौर पर आप देख रहे हैं आखिर भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से, और इस समय देखिए शंख यहाँ पर, शंखनाथ यहाँ पर। भारत माता की, सभी लोग बोलिए जोर से, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देश की एकता और अखंडता के लिए, हिंदू समाज को मैं उत्थान और विकास के लिए मातृभूमि के सम्मान में मैं शंखनाथ का। आप देख रहे हैं समय, आप देखिए कितना अद्भुत दृश्य है। आज क्षत्रिय महासभा की ओर से यहाँ पर एक प्रेस वार्ता की गई और साफ तौर पर ये कहा गया कि जिस तरह से डॉक्टर भी राव अंबेडकर ने संविधान में लिखा था कि अगर जातिवाद के दर पर अगर आरक्षण मिलता तो उसकी अवधि 10 साल होनी चाहिए, पर आज यहाँ पर आप देख रही है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने ये कहा है, सरकार से गुहार लगाई है कि योग्यता के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि जात पात के नाम पर। क्योंकि हमारा देश की अगर बात करें, हमारा देश गुलदस्ते की तरह, और वाकई उन लोगों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इस आरक्षण के जाति के आधार पर जो आरक्षण मिलता है, कहीं ना कहीं वो लोग उन युवाओं के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी होती है जो मेहनत और मुशक्कत कर किसी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, पर इसी जाति के आधार पर जो आरक्षण होता है उसके चलते कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि आज प्रशासन से और सरकार से गुहार लगाई है कि आने वाले समय में तीसरी इनकी रथ यात्रा भी कल से शुरू होने वाली है, और साथ ही साथ ये कहना चाहते हैं कि योग्यता के आधार पर आरक्षण मिले, ना कि जाति के नाम पर। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।